हेलो क्लास, हिंदी में हम 23 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। 23 चैप्टर है उपकार का उपहार। उपकार मतलब क्या होता है? किसी की सहायता करना है, किसी की भलाई करना, है ना। तो उपकार का उपहार का मतलब होता है कि अगर किसी का हम भलाई करते हैं तो उसके बदले में हमको कुछ अच्छा प्राप्त होता है ना। उपहार मतलब हो गया तोहफा, ठीक है। तो ये कहानी का नाम है उपकार का उपहार, है ना। ये एक कहानी है। भलाई करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम किसी की भलाई करते हैं तो वो भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है ना, भले ही उसका तत्काल प्रतिफल न मिले। कहने का मतलब कि उसी समय उसका हमको तोहफा नहीं मिलता, लेकिन अगर किसी का भलाई करते हैं तो हमको बाद में उसका फल जरूर मिलता है। किंतु उपकार करने वाले को खुशी का उपहार अवश्य मिलता है, लेकिन जो उपकार करता है यानी जो किसी की भलाई करता है तो उसका उपहार उसको अवश्य ही मिलता है, उसका तोहफा उसको मिल जाता है, उसको खुशी मिलता है ना। किसी का भलाई करके किसी को बहुत खुशी मिलता है। बेला के किए उपकारों ने आज मेरा घमंड चूर चूर कर दिया था। बेला एक औरत है ना, और बेला के किए उपकारों, बेला ने जो उपकार किया उसके बारे में बोल रही कि आज मेरा घमंड चूर चूर कर दिया था। बेला ने उसका घमंड चूर कर दिया था। किसका? तो जो ये राइटर है जिसने ये कहानी लिखी है। मेरी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। लेखिका जो है उसके आंख के आंसू नहीं रुक रहे थे जो ये कहानी लिखी है। पहली बार मैं अपनी किसी गलती के लिए पछता रही थी। लेखिका क्या कहती है कि मैं पहली बार किसी गलती के लिए बहुत पछतावा कर रही थी, मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने कोई गलती की है। अचानक मेरे हृदय में सहानुभूति की भावना जागने लगी थी। और अचानक से उसके हृदय में सहानुभूति मतलब किसी के प्रति, मतलब सबके प्रति प्रेम भाव का भावना जगने लगा था। मैंने हमेशा से बेला का परिहास ही तो किया है। बेला एक औरत है और हमेशा से लेखिका ने उसका परिहास किया था ना, मतलब उसको कभी भी अच्छा नहीं कहा था। बेला की भूख का भी मैंने हमेशा मजाक ही उड़ाया था। बेला गरीब औरत थी, है ना, वो भूखी रहती थी और उसके भूख का मजाक वो लेखिका ने हमेशा उड़ाया था। कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की थी, कभी भी लेखिका ने उसको ठीक से बात नहीं की थी, हमेशा उसको टेढ़ा जवाब देती थी। बेला हमारे घर के पास में ही रहती थी। अब बेला के बारे में बता रही लेखिका कि बेला लेखिका के घर के पास रहती थी। बेला के पति की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई थी। बेला का जो पति था उसका मृत्यु हो गया था, वो मर गए थे कुछ महीने पहले। एक बेटा था मगर वो भी अपाहिज। बेला का एक बेटा भी था, है ना, और वो बेटा अपाहिज था। अपाहिज मतलब वो चल फिर नहीं सकता था, है ना। घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। जब बेला का पति नहीं था, उसका बेटा अपाहिज था, तो इस वजह से बेला का घर का आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। बच्चे को छोड़कर वह कहीं काम करने भी नहीं जाती थी। अपने बच्चे को उस हालत में छोड़कर बेला कहीं काम करने भी नहीं जाती थी। मन बहलाने के लिए वह मेरे घर हमेशा आया करती थी। अपना मन बहलाना हो इसलिए बेला क्या करती थी, लेखिका के घर में हमेशा आती थी। इधर उधर की बातें करती और कुछ खाने को मांगती। वो हमेशा इधर उधर की बातें करती थी और फिर उसको खाना मांगती थी लेखिका को, फिर खाना खाकर चली जाती थी। उसकी रोज रोज की इस आदत से मैं भी खिन्न हो गई थी। मतलब वो रोज रोज खाना मांगती थी इसलिए लेखिका उससे चिढ़ गई थी, गुस्सा हो गई थी। बेला के आने से पहले मैं बचा खुचा खाना कचरे के डिब्बे में फेंक दिया करती थी। बेला आती उससे पहले जो खाना बचा हुआ रहता था उसको वो पहले ही फेंक देती ताकि उसको बेला को ना देना पड़े। पर अब खाना बचता ही नहीं था, जो भी बचता बेला उसे गट कर जाती थी। पहले तो वो खाना फेंक देती कचरे के डिब्बे में, लेकिन अब जो खाना बचता था ना वो बेला खा जाती थी। धीरे धीरे मेरे मन में उसके प्रति द्वेष पैदा होने लगा था, उसको गुस्सा आने लगा था, है ना, बेला के प्रति लेखिका को गुस्सा आने लगा था। मैं उसे खाना भी खिलाती पर मुंह सिकोड़कर दो चार ताने मारने में भी परहेज नहीं करती थी। लेखिका बेला को खाना भी खिलाती थी और बहुत सारा चीज मुंह में बोल देती थी, है ना, ताना मार देती थी, मगर वो चुपचाप मेरे तानों को सहन कर जाती थी। क्योंकि वो गरीब थी इसीलिए वो उसकी बातें सुनकर रह जाती थी।
भूख के लिए उसे सब कुछ करना पड़ता था। वो अपने पेट पालने के लिए सब करती थी, किसी की बात सुनकर भी वो चुप रहती थी। मैंने कितनी बार कहा भी, बेला तू खाना बहुत खाती है। लेखिका ने उसको बहुत बार बोली कि बेला तुम खाना बहुत खाती है। इस पर वो कहती, मैडम गरीब का पेट रबड़ जैसा होता है। बेला क्या बोलती थी इसमें कि मैडम गरीब का जो पेट था वो रबड़ के समान होता है, मतलब खिंचाए चला जाता है, जितना डालो पच ही जाता है, जितना खाना उसमें डालते हैं वो सब पच जाता है। पेट भरना ही तो हमारी असली मुसीबत है। अगर पेट भरने का नहीं रहता तो हम आपके पास तो आते नहीं मांगने के लिए, इसलिए पेट भरना ही हमारा असली मुसीबत है। आप लोगों को भूख लगने का इंतजार रहता है और हमें ये पेट सताता है। आप लोग कभी सोचते हो कि हमको भूख लगे, भूख लगेंगे, हम इंतजार करेंगे भूख लगेगा तो खाएंगे, और हमारा पेट ही ऐसा है कि हमेशा खाना ही मांगता है। मैं गुस्से में कुछ भी उसे बोल देती मगर वो मेरा खूब गुणगान करती। गुस्सा में लेखिका उसको बहुत सारा चीज बोल देती लेकिन वो अपने मालकिन का बहुत गुणगान करती थी कि आप बहुत अच्छी हैं। एक बार मेरे मुन्ने की तबीयत खराब हो गई थी, एक बार लेखिका के बेटे का तबीयत खराब हो गया था। पति भी घर में नहीं थे और मेरे पास पर्याप्त पैसा भी नहीं था। उस समय उसका पति घर में नहीं था और उसके पास पैसे भी नहीं थे जिससे वो इलाज करा सके। मैंने पड़ोस में एक दो लोगों से पैसे की मदद मांगी। फिर लिखेगा क्या कि पड़ोस में ही एक दो लोगों से पैसे मांगने की मदद की कि मुझे पैसे दीजिए, मेरे बेटे को इलाज कराना है, पर जुगाड़ न हो सका। लेकिन किसी ने उसको पैसा नहीं दिया। बेला जो बहुत दिनों से मेरे घर नहीं आई थी उस दिन इत्तेफाक से घर पहुंच गई। जिस दिन ऐसा हुआ उसी दिन बेला उसके घर आ पहुंची इत्तेफाक से। वो बहुत दिन से नहीं आ रही लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन आई जिस दिन उसके बेटे का तबीयत खराब हो गया था। उसे देखते ही मेरी परेशानी और बढ़ गई। फिर आ गई मैडम, आज फिर खाना मांगी। वो गुस्सा हो गई कि एक तो मेरे पास पैसे नहीं है और ये मैडम आई अभी फिर से वो खाना मांगेगी, ऐसा बोल रही थी। यह सोच ही रही थी कि वो कमरे में दाखिल हो गई, इतना सोच ही रही थी कि वो कमरे में घुस गई बेला। आते ही उसने हमारी खैरियत पूछी। जैसे ही वो आई बेला तो सबसे पहले खैरियत पूछती कि मैडम कैसी हो। मैंने उसे अपनी समस्या बता दी, है ना, कि मेरा बेटा बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा पति नहीं है, ऐसा बता दिया। बीमार बेटे को देख वो भी भावुक हो गए। जब वो बीमार बेटे को देखी ना तो वो बहुत ही भावुक हो गए कि अरे इसका बेटा बीमार हो गया, और बिना कुछ बोले वापस अपने घर चली गई। जब वो देखी उसका बेटा बीमार है तो वो बिना कुछ बोले उसके घर से वापस चली गई। वो कुछ देर बाद वो वापस आई और 1,000 रुपये मेरे हाथ में थमा दिए और बोली, मैडम रख लो। बेला क्या की, लेखिका के हाथ में 1,000 रुपये थमा दी, है ना, हाथ में दे दी और बोली कि मैडम रख लो, आपने आज तक मुझ गरीब का पेट पाला है, ये पैसे आप ही के हैं। बोला कि मैडम ये पैसे रख लीजिए, आज तक आपने इस गरीब, क्योंकि हमेशा वो खाने के लिए इसको देती थी ना बेला को, इसीलिए वो बोलती है कि आज तक आपने इस गरीब का पेट पाला है और ये पैसे आप ही के हैं, है ना। अब मैं एक फैक्ट्री में काम करने जा रही हूँ। बेला बोलती है कि अब मैं एक फैक्ट्री में काम करने जा रही हूँ और बच्चे का इलाज भी करवा रही हूँ। उसका बेटा भी अपाहिज था तो बोली उसका भी इलाज करवा रहे हैं, फैक्ट्री में काम भी कर रहे हैं, भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। बेला बताती है कि भगवान की दया ऐसी है कि सब कुछ अब ठीक चल रहा है, मैं किसी के यहाँ मांगती उंगती नहीं हूँ, बस आपका खैरियत पूछने आई थी। आज बेला मेरे बेटे की तीमारदारी में लगी हुई थी और मैं उसके उपकार के सामने खुद को बहुत गिरा हुआ समझ रही थी। हमेशा वो ताने मारती थी ना बेला को, आज बेला है सो बेला ही उसकी मदद की और किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। एक एक करके उसके साथ किए गए बर्ताव मुझे याद आने लगे। जो भी उसने बेला के साथ किया था ना लेखिका ने, सब याद आने लगे। किस तरह से उसको जली कट्टी सुनाती थी, वो हमेशा खाना मांगती तो चार ताने मारती थी, ये सब। उसके सत्कर्म ने मुझे सिखा दिया था कि सबसे पहले हम इंसान हैं। उसने आज जो कुछ भी किया था उसके वजह से लेखिका ने क्या सीखा कि सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसान का हम लोग को कदर करना चाहिए। अमीरी गरीबी हमेशा नहीं रहती, लोग हमेशा अमीर गरीब नहीं रहते। कोई अमीर रहता है तो वो गरीब हो सकता है, जो गरीब है वो अमीर हो सकता है। बेला के किए उपकारों ने मेरी आंखें खोल दी थी। आज बेला ने ऐसा काम किया था जिससे उस लेखिका का, मैडम का आंख खुल गया था।
आज मैं और बेला एक अच्छे दोस्त बन गए हैं, और इसके बाद से बेला और ये लेखिका अच्छी दोस्त बन गई है। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। जब भी सुख दुख होता है, सुख हो या दुख हो, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। सच, उस घटना ने मेरी सोच का नजरिया बदल दिया। वो घटना जो हुआ था, उसका बेटा बीमार था और जब बेला ने उसको 1,000 रुपए देके मदद किया था, उस घटना ने हमेशा के लिए लेखिका का नजरिया बदल दिया और हमेशा के लिए वो दोनों दोस्त हो गए, है ना। नेक्स्ट आपका अभ्यास है, वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।